गुड मॉर्निंग बच्चों, लॉ ऑफ एविडेंस 1872 के साथ एक बार फिर हम लोग पिछले लेक्चर्स में जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, उम्मीद करता हूँ कि वे आपके समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा भी होगा तो किताबों और बेयर के माध्यम से वह भी दूर हो गया होगा। जैसा कि हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 तो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग साक्ष्य की यानी एविडेंस की चर्चा कर रहे थे। जब हम साक्ष्य की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, तो प्रायः यह बात निकल कर सामने आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एविडेंस एंड प्रूफ। यानी एविडेंस में और प्रूफ में, साक्ष्य में और साबित करने में क्या अंतर है। सामान्य तौर पर ये दोनों शब्द एक ही व्यवहार या एक ही व्यवहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन अगर इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया जाए तो दोनों के प्रारंभ और परिणाम में अंतर है। प्रूफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस टू प्रोड्यूस। यानी प्रूफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड, प्रूफ जो है वह एक अवस्था है, एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, एक ऐसा रिजल्ट जिसको प्राप्त करना साक्ष्य का उद्देश्य होता है। यानी साक्ष्यों को प्रस्तुत करके हम किन्हीं बातों को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो साक्ष्य की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से हम तथ्यों को सिद्ध करते हैं। तो बोलचाल की भाषा में भले ही एविडेंस और प्रूफ में कोई अंतर न प्रतीत होता हो, लेकिन अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखें, टेक्निकली इसको समझने का प्रयास करें, तो प्रूफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस टू प्रोड्यूस। यानी साक्ष्य की का जो उद्देश्य होता है वह तथ्य को सिद्ध करना होता है। यानी प्रूफ जो है वह एक ऐसा रिजल्ट है जो कि साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात धारा 3 में जो अगली परिभाषा है वह है प्रूव्ड यानी साबित। प्रूफ का मतलब क्या है? तो जब हम बेयर को ध्यान में रखते हैं, बेयर की भाषा को पढ़ते हैं, तो यह लिखा हुआ है कि अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट आर कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रेजेंट मैन और अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। यानी कोई तथ्य साबित हुआ, ये तब माना जाएगा जब न्यायालय, जो तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर विचार कर लेने के बाद या तो यह विश्वास कर ले कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या फिर उस तथ्य के अस्तित्व को इतना ज़्यादा संभव माने कि अगर किसी सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति के सामने उन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए तो वह सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति भी इस बात को मानेगा कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं
तो ये माना जाएगा कि कोई तथ्य साबित हुआ, ठीक है। यानी न्यायालय को आप ऐसी कंडीशन में रखिए जिस कंडीशन में एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति हो सकता है, और उस सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति के सामने किन तथ्यों की व्याख्या कर दीजिए, तो वो सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा? किसी ना किसी निष्कर्ष पर तो वो पहुंचेगा ही। तो यदि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाँ उस तथ्य का अस्तित्व है जिसके बारे में साक्ष्य दिया जा रहा है, तो मान लिया जाएगा कि वो तथ्य साबित है। यानी न्यायालय के समक्ष ये दोनों ऑप्शंस हैं, वो स्वयं भी विश्वास कर सकता है कि हाँ इस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना ज़्यादा संभव मान सकता है कि कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी यदि उसके स्थान पर होता तो उस तथ्य के अस्तित्व को संभव मानता, तो हम मानेंगे कि वह तथ्य साबित हुआ। इसके पश्चात डिसप्रूव्ड, डिसप्रूव्ड की भाषा को भी बेयर उसी तरीके से बताता है जिस तरीके से आपने अभी प्रूव्ड को पढ़ा। यानी अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। यानी ठीक उसी तरीके से जैसे आपने साबित को पढ़ा, वही तरीका ना साबित पर भी लगाइए। यानी कोई तथ्य ना साबित हुआ तब माना जाएगा जब न्यायालय के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विचार करने के बाद न्यायालय को ये विश्वास हो जाए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। या फिर उसी तरीके से यदि किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्तियों को उन तथ्यों के बारे में बताया जाए तो वो सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी इसी बात का अनुमान लगाए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि कोई तथ्य ना साबित हुआ, ठीक है। यानी साबित का मतलब ये हुआ कि न्यायालय यह मान ले कि हाँ इस तथ्य का अस्तित्व है, या कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी अगर उसकी जगह होता तो मान लेता कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो वो साबित हो गया। ना साबित जस्ट उसका अपोजिट, उसका उल्टा, कि तथ्यों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय को लगता है कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी उसके स्थान पर होता तो वह भी उस तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता, तो ना साबित हो गया। और इसके पश्चात इन दोनों के अलावा जो तीसरा शब्द है वह है नॉट प्रूव्ड, यानी साबित नहीं हुआ। यह एक ऐसी स्थिति है जब हम अपने तथ्य को न तो साबित कर पाते हैं और न तो ना साबित। यानी अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। यानी हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपने तथ्य को न्यायालय में न तो साबित कर पाए हैं और न तो ना साबित कर पाए हैं। यानी न्यायालय न तो उस तथ्य के होने पर विश्वास कर रहा है और न तो उस तथ्य के न होने पर विश्वास कर रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जो कि साबित और ना साबित दोनों से अलग है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। विषय से हटकर एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, न्यायालय को भूल जाइए, विषय को भूल जाइए, बात को समझिए, भूत का अस्तित्व। भूत का अस्तित्व न तो साबित हो रहा है न तो ना साबित हो रहा है, मतलब हम न तो अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रख पाते हैं कि उसके अस्तित्व को माने और न तो हम ऐसी स्थिति में आ पाते हैं कि उसके अस्तित्व को ना माने। दिन में हम बड़े अपना सीना चौड़ा करके घूमें कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन अंधेरी रात में घने जंगल में अकेले जाना पड़े तो डर लगेगा भूत है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि हम अपने तथ्य को न तो साबित कर पा रहे हैं न तो ना साबित।
ये विषय से अलग एक उदाहरण था, इसको न्यायालय से मत जोड़िएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। धारा 3 भारत की भी परिभाषा देता है। जब आप बेयर की भाषा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा बाकी पूरा भारत का राज्य क्षेत्र भारत है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में ही इस बात को पढ़ा था कि जब से द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आ गया है तब से स्थितियां बदल गई हैं। एंड अकॉर्डिंग टू 5th शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 44 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज अप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी अब धारा 3 में जो भारत शब्द की परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा को हमें इग्नोर करना होगा और हमें इस बात को मान करके चलना है। मानकर क्या चलना है? एक्ट प्रोवाइड करता है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज अप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए अब साक्ष्य विधि का ये जो प्रभाव है वह पूरे भारत पर है, वो पूरे भारत पर रहेगा। धारा 3 यहीं पर समाप्त होती है और इसके बाद हम आते हैं साक्षर नियम की धारा 4 पर। साक्षर नियम की धारा 4 में 3 प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। इन तीनों को समझना भी आवश्यक है क्योंकि कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा इन तीन बातों पर बेस्ड करता है कि न्यायालय किस बात की उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय किस बात की उपधारणा करेगा और वे कौन सी बातें होंगी जो निश्चायक सबूत के रूप में मानी जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं मे प्रिज्यूम की। वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड आर मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। यानी जहां भी इस अधिनियम में यह बंध कर दिया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, ध्यान रखिएगा उपधारणा कर सकेगा मे प्रिज्यूम, वहां न्यायालय के पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान लेगा। अभी पीछे हमने धारा 3 में पढ़ा है साबित ना साबित, ठीक है उसको ध्यान रखिएगा, साबित हुआ ना साबित हुआ, साबित नहीं हुआ उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो जहाँ भी इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित मान लेगा, मान सकेगा, अथवा जब तक उस तथ्य को ना साबित नहीं कर दिया जाता उसके सबूत की मांग कर सकेगा। ठीक है, यानी न्यायालय के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो उस तथ्य को साबित मान सकता है, मान सकेगा, और चाहे तो सबूत की मांग कर सकेगा। दोनों ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। लेकिन जब हम शैल प्रिज्यूम की बात करते हैं, शैल प्रिज्यूम यानी उपधारणा करेगा, तो वहाँ पे कोर्ट के तो वहाँ पे बेयर का हमें डायरेक्शन दिखता है। बेयर कहता है वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। ठीक है, यानी जहां इस अधिनियम ने यह डायरेक्शन दे दिया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, ठीक है उपधारणा करेगा शैल प्रिज्यूम, तो वहां न्यायालय के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा यानी वो सबूत की मांग नहीं कर सकता,
उपधारण कर सकेगा, मैं आपने देखा वो साबित हुआ मान भी सकता है और सबूत भी मांग सकता है, दोनों ऑप्शन है, लेकिन उपधारणा करेगा में न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा, सबूत नहीं मांग सकता। हाँ, दूसरे पक्ष के पास ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि वह उस तथ्य को ना साबित कर दे। तो यानी जब तक उस तथ्य को ना साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा। ठीक है, तो उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, इन दोनों में ये जो न्यायालय का ऑप्शन है साक्ष्य मांगने का, सबूत मांगने का, यही अंतर करता है। जब उपधारणा कर सकेगा तो न्यायालय के पास दोनों ऑप्शन हैं, वो उस तथ्य को साबित हुआ मान भी सकता है और उसके लिए सबूत की मांग भी कर सकता है। लेकिन जब उपधारणा करेगा आ जाए शब्द आ जाएगा, यानी जब शैल प्रिज्यूम वर्ड आ जाएगा, तो वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, वो सबूत नहीं मांगेगा जब तक कि उस तथ्य को ना साबित न कर दिया जाए। ठीक है, इसके पश्चात जो तीसरा शब्द आता है वो है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी निश्चायक सबूत। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बेयर कहता है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। बहुत ही स्पष्ट रूप से बेयर कहता है कि अगर इस अधिनियम में किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, ठीक है, समझिएगा, किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, तो वहाँ न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पे दूसरे तथ्य को साबित मानेगा, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिर उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की भी आज्ञा नहीं देगा। दोनों ये दो चीज़ें हैं, यानी अगर अधिनियम ने किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया, तो एक तथ्य के साबित हो जाने पर न्यायालय दूसरे तथ्य को खुद ही साबित मान लेगा। और मज़े की बात यह है कि फिर उसे ना साबित करने के लिए साक्ष्य देने की आज्ञा भी नहीं देगा। अब इसको समझिए कि बात क्या है। तो पहले समझने के लिए न्यायालय से हट जाइए, न्यायालय को भूल जाइए, इंडियन एविडेंस एक्ट को भूल जाइए, और समझिए इस बात को कि आपके सामने खाने के लिए कोई पकवान रखा है और यह सिद्ध हो गया या यह तय हो गया, यह फाइनल हो गया कि जो पकवान आपके सामने रखा है वह जलेबी है। तो अगर वह जलेबी है तो उसका निश्चायक सबूत यह हो गया कि वो मीठी होगी। कोर्ट को भूल जाइएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को भूल जाइएगा, सिर्फ बात समझिएगा। आपके सामने जो जलेबी, अगर यह सिद्ध हो गया कि आपके साथ प्लेट में जलेबी रखा है, तो इसका निश्चायक सबूत यह होगा कि वो मीठा होगा। ठीक है, ये होता है निश्चायक सबूत, यानी एक बात के सिद्ध हो जाने पे दूसरी बात अपने आप सिद्ध मान ली जाती है, इसी को निश्चायक सबूत कहते हैं। अब वापस आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा 4 है, इसमें निश्चायक सबूत में यह बात कहा गया कि जब एक अधिनियम कहता है कि एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत है और पहला तथ्य सिद्ध हो जाता है, तो दूसरा तथ्य उसका निश्चायक सबूत मान लिया जाएगा। ठीक है, और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की आज्ञा भी नहीं दी जाएगी। जैसे कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन आर विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time
when he could have been begotten. ठीक है, यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता या किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के रहते हुए कायम हुआ है, सॉरी विवाह के कायम रहते हुए हुआ है, या विवाह के विघटन होने के बाद और माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ है, तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है। ठीक है, तो क्या कंक्लूसिव प्रूफ हुआ, निश्चायक सबूत क्या हुआ? निश्चायक सबूत यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म उसके माँ बाप के विवाहित रहने के दौरान हुआ है, तो यह निश्चायक सबूत है इस बात का कि वह बच्चा उस पिता की, उस व्यक्ति की धर्मज संतान है, या माँ बाप का के बीच तलाक हो गया है, विवाह विच्छेद हो गया है, लेकिन अब माँ ने दूसरा विवाह नहीं किया और 280 दिनों के भीतर भी यदि उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह बच्चा उस व्यक्ति की धर्मज संतान है। ठीक है, और इस बात को ना साबित करने के लिए साक्ष्य न्यायालय नहीं देने की आज्ञा नहीं देगी कि वह उसका धर्म पुत्र नहीं है। ठीक है, हाँ एक बात है, इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि विवाह के जो पक्षकार हैं, यानी जो उसके पिता और उसकी माँ हैं, वह एक दूसरे के संपर्क में उस समय नहीं थे जब उस बच्चे का गर्भाधान किया जा सकता है, यानी दोनों के बीच इतनी दूरी थी कि इस बात का संभव ही नहीं है कि दोनों के परस्पर पहुंच से उस बच्चे का जन्म हुआ हो। ठीक है, माँ भारत में है, पिता इंग्लैंड में है 2 साल से, अब बच्चे का जन्म हो गया, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, यानी यदि यह दर्शित किया जा रहा है कि माँ और बाप की परस्पर पहुँच उस समय नहीं थी, यानी देखिए आप यहाँ पहुँच को चैलेंज किया जा रहा है, इस बात को चैलेंज नहीं किया जा रहा है कि वो उनका धर्मज पुत्र है नहीं है। ठीक है, चैलेंज इस बात को किया जा रहा है कि माँ और बाप की परस्पर पहुँच उस समय नहीं थी जब बच्चे का गर्भाधान किया जा सके, माँ भारत में है, पिता 2 साल से अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कहीं भी है, किसी ऐसी जगह पर है लगातार 2 सालों से कि माँ के पास आ ही नहीं रहा है, तो इस चीज़ को क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से परिभाषा खंड में ये जितनी भी परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी, ये सभी परिभाषाएं साक्ष्य विधि को समझने के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं और इन्हें आपको समझना होगा। बिना इन परिभाषाओं को समझे, इनके उस अर्थ को समझे जो कि बेयर बताना चाहता है, हम साक्ष्य अधिनियम की धाराओं को आगे समझने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफिनीशन क्लॉज एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर गिवेन इन द डिफिनीशन क्लॉज। सो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और फिर उसके पश्चात हम अपने आगे के चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।